क्या कहूँ, MSI कहता हूँ, मिनिस्टर होगा घर का क्योंकि सही है ना। तो मैं कहता रहा हूँ मिनिस्टर होगा घर का। मोहतरम हाजरीन, शायद आपको यह बात अजीब सी लगे कि जब अहमद शाह के वजीर बनने की खबर मिली तो मुझे सख्त गुस्सा आया। हो सकता है ये समझे कि मैं अहमद शाह से जलता हूँ, या ये समझे कि मेरे अंदर हसद की आग भड़क उठी है, जिसकी वजह से मुझे हर आदमी की तरक्की बुरी लगती है। आपके जहन में ये ख्याल भी आ सकता है कि मैं खुद वजीर बनना चाहता था मगर मेरे ख्वाब चकनाचूर हो गए। इत्मीनान रखिए, इनमें से कोई भी बात दुरुस्त नहीं। मुझे तो इस बात पर गुस्सा आया था कि अहमद शाह को अब से पहले वजीर क्यों नहीं बनाया गया। हर दो साल चार साल के बाद जो हुकूमतें बनती हैं उन्हें अहमद शाह क्यों नज़र नहीं आया? काम करने के दावे करने वाले हर बार अहमद शाह को नज़रअंदाज क्यों कर देते थे? अहमद शाह को यहाँ खुश आमदीद कहना भी मुझे अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई अपने ही घर में खुश आमदीद कहा जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए अहमद शाह की हैसियत एक फैमिली मेंबर जैसी है। आज हम जिस जगह बैठे हुए हैं ये वही जगह है जहाँ 8 कौंसल के इंतखाबात से कबल अहमद शाह के इंतखाबी कैंप कायम होता था। यही वो लान है जहाँ अहमद शाह ग्रुप के तमाम लोग जमा होकर इलेक्शन मुहिम चलाते थे और अल्लाह के फजल से और इस लान की वजह से वो कामयाब होते थे। जाहिर है इंसान खुद कुछ नहीं है जब तक हम सब ना हो। जब अहमद शाह को सिंध की वजारत इत्तलात देने का ऐलान हुआ तो शायद किसी को भी हैरत नहीं हुई। जो अहमद शाह को जानते हैं वो कई बरस से इस खबर की तवक्को कर रहे थे। जिन्होंने अहमद शाह को दिन रात काम करते देखा है, कराची में लिटरेचर और कल्चर को फ़रोग देने की मेहनत करते देखा है, कराची में ही नहीं पूरे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज इमेज सामने लाने की जद्दोजहद करते देखा है, सिंध भर की आर्ट कौंसल्स को तरक्की देते देखा है और कई बरस से ये तवक्को कर रहे थे कि अहमद शाह की सलाहियतों को बहुत जल्द एक बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जाएगा और बड़ी सतह पर तब्दीलियाँ ला सकेंगे। अहमद शाह एक मल्टी डायमेंशनल आदमी है, वो एक अच्छे मुंतज़िम हैं, उम्दा मुकर्रर हैं, ज़हनी तख्लीकी ज़हन रखते हैं, हर दिल में जगह बनाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि वह एक ऐसे दोस्त हैं जिनकी दोस्ती किसी गर्ज के मफाद से बालातर है और जिनकी कोई तसन्नो कोई बनावट नहीं, वो अंदर बाहर एक जैसे ही हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले चंद बरस से पाकिस्तान एक कड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। ये एक ऐसा वक्त है जब हमारी कौम को हमारे मुल्क को दुरुस्त सिद्ध में रहनमाई की ज़रूरत है, किसी ऐसी टीम की ज़रूरत हो जो तूफान से बचा कर ले जाए। मैं नहीं जानता कि टीम कहाँ से आएगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर मैं सिर्फ 8-10 अहमद शाह मिल जाएँ, जिसमें से कुछ तो मिल गए हैं, खाली अहमद शाह ही नहीं और भी हैं, कुछ कामरान तिसोरी भी हैं, इनका बहुत पुराना दोस्त अनीक अहमद भी है, इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर हमें 8-10 अहमद शाह मिल जाएँ तो 20 करोड़ आवाम लोगों का ये मुल्क साल भर में कामयाबी की मंजिल की तरफ चल पड़ेगा। मैं अहमद शाह की मज़ीद कामयाबी के लिए दुआ करूँ, बस सही चलना। ना मुझे समझ आ रहा है मैं बोलूं क्या, इतनी तारीफ़ों के बाद अब मुझसे और तारीफ़ें नहीं हो रही। लेकिन इनका शुक्रिया वासिक भाई का, फजाना का, नबिया का, इन्होंने बहुत ज़्यादा पुरतकल्लुफ़ यह तमाम किया। हालांकि ये बिल्कुल हमारे फैमिली है, इतना ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा किया है, अगली दफ़ा के लिए बता रही हूँ। तो बहुत शुक्रिया सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कहीं अहमद शाह के लिए। तो दूसरी बात ये कि इस इनकी मेहनत, इनकी डेडिकेशन
और इसका सारा क्रेडिट मैं इनको दूंगी, मैं नहीं दूंगी और सबसे पहले अल्लाह का शुक्र, फिर इनको इनकी वालदा की दुआ। ये मैं हमेशा कहती हूँ इनसे, कभी कभी ये भूल भी जाते हैं, लेकिन मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी कोई काम के लिए निकलते थे या कोई इस तरह का काम करते थे, और मैंने अपनी सास को, इनकी वालदा को हमेशा अजान के वक्त इनके लिए दुआएं करते देखा। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है। मैं हमेशा कहती थी अम्मा आप, मतलब अजान होती है आपको हमेशा नमाज के बाद भी आप दुआएं करती रहती हैं, तो वो दुआएं इनके लिए हमेशा से इनके साथ हैं हर वक्त। और फैमिली की सपोर्ट तो हमेशा होती है, लेकिन और सब लोग जो टीम इनके साथ जिन्होंने मिलके यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, और इतने अच्छे दोस्त अहबाब सब लोग, उनकी सपोर्ट से ये सब मुमकिन हुआ। शुक्रिया। हैं, डर बिल्कुल नहीं है, सच्ची बात है, और ये यूनिवर्सल झूठ है कि बीवियों से लोग डरते क्या बात है जी, सलामत रहे। और मैं चाहूँगा कि द वुमन बिहाइंड सक्सेस के लिए बहुत सी तालियां ज़रूर होनी चाहिए। और मैं दावत देने से कबल, चूँकि मुझ पे पाबंदी है, इसलिए मैं सिर्फ ढाई जुमले बोलूँगा, और ढाई जुमले ये हैं कि कोई इंसान कोई और होता तो हम उसके मौतरफ होते, तलाश करने के बावजूद थक गए, कोई ना मिला शहर भर में मुल्क भर में, ये एक है वाहिद है, अपने काम का यकता है यगाना है, और इतना नुदरत आमेज है कि इससे मोहब्बत किए बगैर गुनागार हो जाएंगे। बहुत मोहब्बत के साथ, ही इज द वन द लेजेंड लिविंग लेजेंड मोहम्मद अहमद शाह। मैंने वासिक से कहा कि भाई मेरा तो सिर्फ शुक्रिया ही बनता है, तो वो कह रहे नहीं खाना लगने में 12 मिनट, तो मैं तो 12 मिनट तकरीर बिल्कुल नहीं करना चाहता कि अल्लाह ताला ने जितनी इज्जत दी है और जितना मेरे साथ मेरे दोस्तों ने, मेरी टीम ने, और इस शहर के बुज़ुर्गों ने, सबसे ज़्यादा चाहे वो मुश्ताक मंजूसफी थे, चाहे वो फातिमा सुरिया भजिया थी, जालबी साहब थे, अली साहब थे, अनवर मकसूद, ये मेरे यार हैं सारे, कुछ दुनिया से चले गए कुछ हैं, और फरमान फतेहपुरी साहब, पीरज़ादा कासिम, अनवर शहूर, ये अखलाक अहमद जो इस वक्त गवर्निंग बॉडी में भी है, और बाकी सभी हमारे बिजनेसमैन दोस्त, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा आम तौर पे सरमायादारों को, ऐसे सरमायादारों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए मैं गरीब रह गया क्योंकि किराए के मकान में रहता हूँ। जो सरमाया खल्के खुदा के काम नहीं आता और कोई वल्गैरिटी पे खर्च होता है और जिसका फ़ायदा किसी को नहीं मिलता, तो वो सरमाया वल्गर सरमाया है। और ये तकरीर मैं पहले भी ऐसे मुनीर साहब के सामने और इन सब के सामने कर चुका हूँ। पुराने जो सेठ होते थे तो उनके नाम पे इंस्टीट्यूशन होते थे, जैसे तूने अस्पताल बनाया बहुत बड़ा 1 अरब रुपया खर्च कर, कुछ तेरे काम नहीं आएगा, यही काम आएगा। तो सरमाए को जब तक आप जोड़ेंगे नहीं ना किसी नेकी के काम से, जो बच्चे हैं, जो अनपढ़ हैं, जो सेहत का मसला है लोगों का, तो उसके बगैर कुछ भी नहीं बचता है। मेरी कुछ चूँकि कोई लॉबी नहीं रही कभी भी, और लोग बहुत ज़्यादा मेरी सलाहियतों के मोतरफ हैं। मेरे अंदर एक मसला है, मेरे अंदर मसला ये है कि मैं टेढ़ा आदमी हूँ, और प्राइम मिनिस्टर होता था, गवर्नर हो, मुशर्रफ साहब हो, मुंह पे खड़ा होकर सब कुछ बोल देता था। सिराज कासिम तेली भी ऐसा ही था, अल्लाह उसे जन्नत, तो वो ये होता था कि मेरा सारे पाकिस्तान के लिए काम एक तरफ, और एक रेड लाइन होती थी और उसमें इंडिपेंडेंट सोच भी मेरी होती थी। मसलन बहुत सारे पिछले दिनों में ऐसे काम जो फौज ने भी किए, फौज ने नहीं उसके किसी जनरल ने किए, और बाद में साबित हुआ कि पाकिस्तान को उससे नुकसान हुआ, तो मैं ब्लंटली
बताता था, क्योंकि मुझे लगता था फौज भी मेरी अपनी है और फौज इस मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो अगर फैसला साजी में कोई प्रॉब्लम है तो उनको बिल्कुल आप बता दें कि ये मेरा ख्याल है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। उसके अलावा भी चमचागिरी नहीं होती, अल्लाह की ज़ात से डर लगता है और बहुत लगता है, और उसके बाद ये जो अभी बोल के गई है जो कहती है कि कोई नहीं डरता। हाँ, और ये सारे मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, फारूकी साहब हैं, वो डॉक्टर कैसर सज्जाद बैठे हैं, अखलाक साहब हैं, उमा मीर बैठी हुई थी, डॉक्टर अयूब मेरा क्लोजेस्ट यार है, उधर बुखारी बैठा है, इधर डॉक्टर अयूब बैठा है। ये तो थिक एंड थिन में, बुराई में, हर हालात में एक यार मेरा और है, उसको चुप लगी हुई है, उसका नाम है हैदर अब्बास रिजवी। तो रातों रात 2 बजे 3 बजे कोई मिसरा भूल जाते थे, एमक्यूएम मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है, खौफ के साए में मैं रह रहा हूँ, और सेक्टर मैक्टर उसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये वो ख़त्म हो गया सिलसिला। और अभी भी मेरी बेटी की शादी थी तो एक आदमी था एमक्यूएम से, वो हैदर अब्बास रिजवी था, फैसल को ले कर आया था। या इस्लामाबाद में जब ये था शहर बदर अपने आप को कर लिया, तो अगर मैं रात जाता था तो अपनी जो भी मीटिंग करता था रात को किसी पहाड़ी पे बैठ के इसके साथ बैठा रहता था। तो चढ़ते सूरज को सलाम नहीं किया, और शायद ठीक किया। और अभी जब मेरा इंटरव्यू वगैरह भी हुआ तो मैंने एक बात बताई हैदर भाई फैसला साजों को, मैंने कहा कि अच्छा, मैं बड़े जज्बाती सा था, फिर बाहर आके मैंने सिगरेट जलाई और मैं खुश हुआ, और बाहर के घर में मैंने अपनी बीवी को एक बात बताई। तो मैंने कहा देखें, वो जो जमाली तस्करा कर रहा था, मैंने कहा मैंने देखें, मेरी उम्र हो गई 64 साल, और मेरा बाप नाजमाबाद में आया था, एक क्वार्टर में मैं पैदा हुआ, अब एक मिडिल क्लास की मुनासिब लिविंग, 2-3 पुरानी-सुरानी गाड़ियाँ, बच्चे मेरे पढ़ लिए जैसे तैसे, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल ज़िंदगी है, छोटा सा कारोबार भी है। तो 64 साल के बाद किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा, और वो मेरे अंदर टेक्निकल मसला है, बिल्टन है कि कोई करप्शन या कोई ऐसा काम, ये पहला होगा ज़िंदगी का ऐसा इंटरव्यू। तो अप्रिशिएट किया कि बहुत ज़बरदस्त बात है, और मुझे पता नहीं था कि मैं अभी जो बाहर जा रहा हूँ तो अपनी नौकरी यहीं छोड़ के जा रहा हूँ जो मुझे मिलने वाली है या मिलेगी। बहरहाल 3 महीने तो गुजर गए, 4 महीने पुरानी बात, कुछ बातों का जमाली को पता भी था। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन और मेहनत करते रहो। मेरा अभी भी जो सबसे ज़्यादा, वज़ीरों के फ़ोन नहीं उठाऊँ, मीटिंग में हूँ बाहर चला जाता हूँ, लेकिन जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, चाहे वो अमेरिका में रहते हैं या पापोश नगर में रहते हैं, तो वो मुझे मैसेज करते हैं कि मैं बाबू हूँ पापोश नगर वाला, या मैं मुस्ती हूँ नाजमाबाद 4 नंबर वाला। तो पहली प्रायोरिटी मेरी ये होती है, देखिए जो आदमी सबसे पहले जो कुंभ है ना, वो आपका कुंभा है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो वो है। जो आदमी अपने कुंभे के साथ ठीक नहीं रहता, जो आदमी अपने करीब के बचपन के दोस्तों के साथ ठीक नहीं रहता, तो ना वो शहर के लिए ठीक है, ना वो मुल्क के लिए ठीक है। किसी लीडर को जांचना है तो सबसे पहले ये देखो कि इसका अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक है, अपने बच्चों का कितना ख्याल रखता है, और फिर अगर माँ बाप में से कुछ ज़िंदा है तो घर से निकलता नहीं है। तुम इधर कभी निकले जब तक तुम्हारी माँ ज़िंदा थी, और तुम ज़िंदा इसीलिए हो कि तुम्हारे पीछे एक दुआ वाला हाथ था। जब उनका इंतकाल हुआ तो इनका मसला तो था, लेकिन मैंने इसे कहा कि वो हाथ चले गए तो अब बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा, हमारे भी वो हाथ चले गए। और मुझे ज़्यादातर मेरे दोस्तों ने गालियाँ दी जब मैंने ये उदा लिया कि पाकिस्तान में किसी की इतनी इज्जत नहीं है दुनिया में जितनी है, और तूने ये बस उदा ले लिया।
मेरा बहुत सारे दोस्त मुझे फ़ोन करते थे, कहते थे कि यार 100% तुम्हारा ये हो गया है। तो मुझे किसी ने कहा कि अहमद भाई कुछ चिल्ले पे बैठा हुआ है और वो धुनी लगाई हुई है, और वो एक पहाड़ी पे भी एक चिल्ला होता था पिछले अरसे में, तो कुछ चक्कर है कि जब तुम्हारा ये होने लगता है तो कोई ना कोई इसको रोकता है। तो मैं उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए आया हूँ। मेरा मिनिस्ट्री में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कल मैं सीधा प्रेस क्लब गया था और ये खानजादा बैठा हुआ है, शायद शुएब भी है, साफ ऐलान मांग किया, साफ साफ, और ये मेरे यार वहाँ सब खड़े थे, और 1050 मेरा मेंबर है, और किसी ने फॉर्म नहीं भरा 6,500 लोगों में। ये है मेरे इज्जत की बाइस, सही है ना? के और जो मेरे मुखालिफ भी थे उन्होंने टेलीफोन करके मुझे कहा कि तूने इतना काम किया है, अब हैदर आ गया है तो मुझे यकीन है कोई ना कोई शरारत अगले साल से इलेक्शन की शुरू हो जाएगी। तो डिटर्मिनेशन हो, डेडिकेशन हो, सिंसियरिटी हो, और आप सिद्ध के दिल के साथ अगर कोई काम करते हैं, तो मैंने मुश्किल रास्ता चुना था, मतलब मैं ये मुश्किल तरीन रास्ता था, क्योंकि कराची जो पूरा हिंदुस्तान हो जुड़ा तो आबाद हुआ, और सारी दुनिया के बड़े अदीब फनकार मेहंदी हसन का ख़ानदान से ले कर रोशन आरा भी यहीं आई, जड़े बुखारी भी यहाँ थे, अबुल सिद्दीक लल्लत सिद्दीकी, सलीमो जमान सिद्दीकी जैसा साइंटिस्ट, लेकिन पेंटर भी ऐसा और शायर भी ऐसा और गाना भी गाते थे क्लासिकल। तो अभी मैंने एक सेशन भी किया था, क्या शहर था क्या लोग थे, और दबिस्तान है कराची की जिंदा आवाज़ें, और फिर उसके बाद जॉन भाई सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजरी, उसके बाद के लोग जमाल सानी, सलीम कौसर, और फिर मेरे यार अहमद नवेद, आरिफ इमाम को अमेरिका से बुलाया हुआ है, 2 गज़लें सुनाई हैं, कमाल करके चला गया, किताब छापी उसकी। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं, खैर मेरी बात लंबी हो जाएगी, खाना तैयार है? अच्छा, बहुत क्या मैं वासिक का शुक्रिया अदा करूँ, नामसाइद तरीन हालात में भी, और अभी भी मैंने कहा वज़ीर हो गया हूँ इंफॉर्मेशन का, और इसके चपड़ासी भी मुझे फर्स्ट क्लास की टिकट अमेरिका की लेके जा सकते हैं, ऐसी मिनिस्ट्री ये रही है। तो मैंने वासिक से कहा है कि दुबई जाना है एक शादी में, तो टिकट मेरी तू खरीदेगा, और इससे पहले भी ये वाकयात इस्लामाबाद लाहौर में हो चुके हैं, लाहौर में भी इसके घर में रहता हूँ, इसकी गाड़ी में मेरी अपनी है, इस्लामाबाद में भी जाता हूँ तो टेक ओवर कर लेता हूँ, और इसी के घर में रहता हूँ और इसकी गाड़ी चलाता हूँ, कि ये मेरा यार है, और अभी भी जाऊँगा तो प्रोटोकॉल का भी सिलसिला करेंगे, सब कुछ करेंगे, रहूँगा इसी के पास, गाड़ी भी इसी के चलाऊँगा, इसकी जान मैं छोड़ूँगा नहीं, बस इसका एक मेरे से वादा था जब मेरा अनाउंस हुआ, तो इससे बहुत ही खुश था ये। मैं वाहिद आसम वाहिद तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे वजीर बनने में पाकिस्तान में जितनी हुकूमतों की इज्जत हुई है, इनको फ़ायदा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में भी आएगा। जस्टिस मकबूल बाकर साहब इस शहर के हैं, सारी दुनिया उन्हें जानती है, वेरी अपराइट कॉमरेड, कॉमरेड पक्के वाले, और यहाँ पर मारे भी उन्होंने खाई हैं, जेलों में भी वो गए हैं, तो उनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ये 1 रुपए की भी बेईमानी कर सकते हैं, टेक्निकल मसला है उनका, और उनकी सारी दिलचस्पी जो है ना भाईजान, उनकी दिलचस्पी मजदूरों के साथ है, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट के साथ है, ख्वातीन के मसाइल के साथ है। तो ये मसला ये हो गया था कि कोऑर्डिनेशन का बहुत मसला था, तो महीने भर से उन्होंने, जस्टिस साहब ने मुझे कहा कि यार ये बड़े मसले हो गए, तो तुम वज़ीर बन जाओ। तो मैंने कहा कि, और आपको पता है कि सिर्फ अगर वो सिर्फ अकेले तो वज़ीर बनाना भी, आपको पता है कि एक उसमें और भी आते हैं मामलात दिल, तो खैर इनिशिएटिव मेरा मकबूल बाकर साहब ने लिया प्योरली, और फिर जो भी लोग थे उन्होंने बखुशी किया है, और मैंने आते ये किया है कि 11 वज़ीरों के ख़त लिख दिए कि भाई आप अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट हमें दें, कि तब हमें पता चले कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो हम उसे बेहतर हाईलाइट कर सकें। प्रेस क्लब में जाके ऐलान किया है
कि कोई मिनिस्टर अगर कुछ गलत कर रहा है या करप्शन कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसकी सफाई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पेश नहीं करेगा, उसको कहेगा कि वो मीडिया के सामने जाए और अगर ये बात गलत है तो हम पूरी तरह डिफेंड करेंगे 100%, और अगर वो सही है तो मेरी जान, वो फिर मेरा काम तो नहीं है। मैंने एक बात और कही इनसे कि वजीर होना बेइज्जती की बात नहीं थी और आज भी नहीं है। जिस किस्म का आदमी बैठता है या तो वो ओहदे को इज्जत देता है या फिर ओहदे को जलील करता है। तो ये लोगों पे, मैं पूरी हुक्मरानी के लिए कह रहा हूँ भाईजान, लोगों पर मुश्तमिल है और ज़्यादा ना बोलवाएं। मैं चाहता हूँ अभी कुछ दिन मैं रह जाऊँ यहाँ। और बाकी एक बात ये हो गई, एक बात ये कि मैं मकबूल बागर साहब दुबई में थे और मैं उधर गया हुआ था और किसी का भी दिल नहीं कर रहा था कि तकरीब हो। मैं वहाँ पहुँच गया था आयशा मंजिल पे, सीएम साहब भी यहाँ नहीं थे, तो वहाँ मैं सारा देख रहा था और सारी कोऑर्डिनेशन कर रहा था। फिर सीएम साहब से बात बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि ये जितने लोगों का माली नुकसान हुआ है वो तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन जानी नुकसान का ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ फाइनेंशियली पॉसिबल। तो मेरा दिल जो था, मैं कह रहा था कि हम खामोशी से खाना तो खा लें लेकिन शहर में एक ऐसा वाकया हो गया, आए दिन होता है, और ये शहर ख़राब इतना ज़्यादा तो नहीं था, आपको पता है हम ही लोगों ने किया या किसी और ने किया, बाय डिज़ाइन हुआ या बाय प्लान हुआ तो हो गया है। लेकिन अगर हम सब ये सोचते रहेंगे कि ये ख़राब चीज़ है तो मेरी जान, इसको फेस तो करना पड़ेगा और लोगों को आगे आना पड़ेगा। आज क्या तारीख है, 5-6, टेक्निकली 2 महीने 2 दिन हैं, तो 2 महीने 2 दिन में 4-5 साल के बराबर काम तो मैं आपको नज़र आएगा रोज़ सुबह दोपहर शाम रात। क्योंकि आरिफ तुझे भी मेरी स्पीड पता है, सबसे ज़्यादा मेरी बीवी को पता है, मैं रात को भी नहीं सोता हूँ। तो काम क्या है, अभी मैंने बेसिक काम है लेकिन उसकी मैं कल सीएम साहब से पहले अप्रूवल हूँ। एक तो ये कि ये जो मिनिस्टर हैं कोऑर्डिनेशन का बहुत कमी और बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं उसको हाईलाइट भी करें। इसके अलावा बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ सीएम साहब के पास, तो उसके भी मसाइल हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि उनके सारे सेक्रेटरीज को बुलाए, मैं उसमें बैठूँगा और अगर मुझे इजाज़त दें तो उनकी कारकर्दगी, उसकी मॉनिटरिंग, जितनी मिनिस्ट्रियाँ हैं क्यों, और वो बहुत बड़ी बड़ी हैं बलिहाज, मसलन फूड, मसलन एक्साइज, मसलन लेबर, मसलन, तो वो ऐसी मिनिस्ट्रियाँ हैं। तो अब कोई वजीर नहीं है तो किसकी लॉटरी लगी हुई है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि वजीर आला साहब जितना उनके लिए मुमकिन है पूछें। अगर वो मैं इजाज़त देंगे तो मैंने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से ये कहा है कि आप इनसे वीकली एक रिपोर्ट तो मांगे ना, कि मेरा फोकस जो है वो है जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो काम, जो भी मनसूबे जो कराची के हैं या पूरे सिंध में। अच्छा, मुझे जो छोटी सी इन्होंने मुफ्ते की 2 मिनिस्ट्रियाँ दी थी वो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, बज़ाहिर वो बेकार हैं। एक तो भाईजान आप वाली मिनिस्ट्री है, यानी माइनॉरिटी मिल गई है मुझे तो माइनॉरिटी तो मेरा एक मसला है, मैं तो माइनॉरिटी के लफ्ज़ से ही मुझे प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि 11 अगस्त 1947 को जो कायद ने कहा था कि भाई ये तो सारे इंसान बराबर होंगे, इनके हकूक बराबर होंगे, तो उसके ऊपर मैं कल से मैंने ब्रीफिंग तो ले ली। अब अपने हिंदू दोस्त, क्रिश्चियन दोस्त, करामत अली जैसे लोग, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट, सबको काम पे लगा दिया। अब 200-400 वजीर हो गए जो काम कर रहे हैं, पर डॉक्टर जाफर अहमद, गाजी सलाउद्दीन वो पेपर बना रहे हैं कि क्या क्या चीज़ मजदूरों के लिए, ख़वातीन के लिए, महनाज, अनीस, आरून, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने टेक्नोक्रेट हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल स्कॉलर, सबको लगा दिया। तो लेबर है, बहुत सारे कानून पास हो गए, मिनिमम वेज मकबूल बाकर साहब ने आते ही कर दी, अमल दरामद नहीं हो रहा भाई। फिर जो प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सिंध में कम से कम 50 लाख मजदूर है, 6 लाख सिर्फ रजिस्टर है जिसको सासी का और वो मिलता है। मीडिया में मैं कैंपेन अब किसी की ज़ाती प्रमोशन की नहीं चलाऊंगा, मैं ये चलाऊंगा जो ख़वातीन के मैसेजेस होते हैं कि हमें अपने ख़वातीन, और जो माइनॉरिटी के हवाले से
प्रेम का फंड भी है, मुझे आज पता चला, और वो उनमें तकसीम होता है उनके इलाज पे, उनको होली और दिवाली पे जो 6 महीने से नहीं हुआ। और एक और मेरे पास डिपार्टमेंट है सोशल प्रोटेक्शन, वो मिनिस्ट्री पिछले साल बनी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कोई $200 मिलियन उसको दे दिए। उसमें यह है कि चाइल्ड एंड मदर हेल्थ का प्रोग्राम है कि पूरे सिंध में जो रूरल हेल्थ सेंटर जो सबसे गरीब ज़िले हैं वहाँ पे 13 लाख औरतों को रजिस्टर करना है और उनकी डिलीवरी प्लस 30,000 रुपये कैश उनको दे दें। अभी तक 70,000 रजिस्टर हुए हैं, 5 जिलों में ये स्कीम शुरू हो गई है, 15 जिलों में वर्ल्ड बैंक की डेडलाइन है डॉक्टर साहब कि 31 जनवरी से पहले हमें करना है, तो हम अगले हफ्ते निकल जाएंगे। और मैंने इनफॉर्मली अपने सारे हिंदू क्रिश्चियन दोस्तों को कहा है कि आप मेरिट पे अपनी लिस्टें बनानी शुरू कर दें ताकि जब एक हफ्ते बाद हम CM से अप्रूवल लेके इसकी डिसमसमेंट करें तो दिवाली पे तो हम किसी को कुछ नहीं दे सके, कम अज़ कम ये जो क्रिसमस है, फिर चर्चेज में जाना है, फिर फोर्स वो हो रहा है कन्वर्जन, आपको पता है कुछ जगहों पे, तो ये बदनामी इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की हो रही है। तो दूसरी बात ये कोऑर्डिनेशन मेरी जो है ना वो 44 डिपार्टमेंट की है भाईजान, वो लोकल बॉडीज है, वो हाउसिंग है, वो सब। तो मेरे पास आज 2 वजीर आए हुए थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मेरे पास आके बैठी थी, कल्चर वाले ने मुझसे डिस्कस किया। तो भाईजान हाउसिंग का भी पहले भी बैठ के हमने डिस्कस किया था, उसका भी इनिशिएटिव हम लेंगे। हमारा मसला ये है कि मैं CM का स्पोक्स पर्सन भी हूँ, मेरा एक्सेस ज़्यादा होगा, तो सिंध की सतह पे जो हमारे प्रॉब्लम है ये तो इसी हफ्ते हम बैठ जाएं, और हमें यह नहीं देखना कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास, सारी मिनिस्ट्रियाँ चीफ मिनिस्टर के पास। तो चीफ मिनिस्टर को अगर हम कोई जायज़ बात करेंगे तो वो तो चाहेंगे ना कि ये सूबा जितना अरसा भी वो हैं एक नामी के साथ जाए। तो कल्चर तो मेरे दिल के करीब है लेकिन एजुकेशन से किया है। फिर उनका फ़ोन आया था ब्रिगेडियर साहब का, उनके साथ भी कल मिलूँगा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, फिर IG और होम सेक्रेटरी के साथ भी मीटिंग रखी है। तो मेरा मसला ये कि तुम सब मेरे दोस्त, तुम्हें किसी वज़ीर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, जो तुम्हें वज़ीर चाहिए, वज़ीर आला चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होनी है वो काम जो है वो मेरे ख्याल में तुम सबके पास मेरा मोबाइल नंबर, मुझे एक मैसेज करो, मैं किसी अगर फ़र्ज करो किसी मसरूफियत में हूँ तो जैसे ही फारिग होऊंगा आपको पता है अगला फ़ोन आपके पास आ जाए। और बेहतर यह है कि कुछ भी करें बख्शी साहब, थोड़ा सा होमवर्क पहले कर लें और टाइम बचाएं, और जब हमारे पास होमवर्क हुआ हो तो हम सिर्फ एक्शन प्लान बनाएं और एक्शन प्लान पे अमल करें, तो वक्त हमारे पास कम है। और वासिक साहब आपका और आपसे ज़्यादा मेरी भाभी का और इन दोनों से ज़्यादा मेरी खास चहेती बच्ची है, वो इनको पता है। फिर सबसे ज़्यादा मेहनत इस सारे प्रोग्राम को कामयाब करने में महमूद अहमद ख़ान साहब की है, सब भरपूर तालियां बजाएं उनके लिए, एक एक आदमी को फ़ोन करना, सारा कुछ करना, या ज़ोर से तालियां खुद ज़्यादा बजा दो खुदा की, इसके बाद रोटी का ऐलान करने वाला। और ये तो खैर हमारा कुंबा है और सारी ज़िंदगी का रिलेशनशिप है, आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। और साफ़ी सारे तो मसला ये भाई 40 साल से, अबे 1981 में मेरे सारे दोस्त जर्नलिस्ट बन गए थे बड़े बड़े, बदर अब्बास, उसदुल्ला खान, जफर अब्बास, तो बैठा ही 1981 से वही हूँ, तो वो तो मेरी अपनी जगह है। तो जितने साफ़ी हैं वो ये समझते हैं कि मैं वज़ीर हो गया, तो मुझे कैमरामैन भी मैसेज करता है हर साफ़ी जो प्रॉब्लम में, अब उसका भी भाई मैं 1 विंडो ऑपरेशन बना रहा हूँ खानजादा साहब, अब ये है कि फाइल जाती है CM हाउस क्योंकि कोई वज़ीर नहीं था। कल मैं ये कर दूँगा कि जो आपकी एक कमेटी बनी हुई है जिसको रिकमेंड करेगी आर्ट्स काउंसिल की तरह, उसी दिन अभी जैसे खुर्शीद तनवीर साहब हैं उनको भी मार हैं और कुछ दोस्त हैं, इफ्तिखार बेग है हमारा, तो हम सेम डे उसको जो इलाज है या जो भी हेल्प है इंशाल्लाह उसमें भी पहुंचाएंगे। और बाकी अनीफ और सारे हम जो दोस्त हैं ना, कोऑर्डिनेशन के लिए मुझे इस्तेमाल करें आप कसरत से, आपको पता मैं थकता नहीं हूँ। ब्रिगेडियर जदून जो हैं उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो आए, नईम भाई, रऊफ भाई, सभी भाई हमारे और बहनें भी सारी एक को छोड़ के,
बहुत शुक्रिया। हाँ, शिराजी के लिए भरपूर तालियां, जितने शानदार तरीके से इसने प्रोग्राम चलाया, इसमें मुझे खुद भी फख्र है कि जाहिर है कि इसका मैक्सिमम एक्सपोजर शुरू आर्ट्स काउंसिल से हुआ, फिर सारे पाकिस्तान में, और लेकिन वो इसकी सलाहियतें तो बहुत ही आलीशान, और इंशाल्लाह आगे मिलके काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब इंफॉर्मेशन भी आ गया, उसमें भी बहुत काम है। जी जी, इन्फॉर्मेशन में बिल्कुल आपके साथ हैं और काम करेंगे जिस अंदाज में। ये एक शील्ड है जो आपको पेश की जा रही है, मोमेंटो है। मैं चाहूँगा भाभी आप भी तशरीफ लाइए, मिसेज अहमद शाह और चेयरपर्सन स्टार मार्केटिंग मोहतरमा फरजाना वासिक साहिबा और अखलाक अहमद साहब तशरीफ लाएंगे। जी जी प्लीज लाइए, नबिया लेकर आएंगी, नबिया खान लेकर आ रही है ये शील्ड, और ये शील पेश की जा रही है मोहतरम जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब को। शाह साहब ने कहा है कि खाना खोल दिया जाए, तो खाना आपके लिए हाजिर है। नहीं, किसी लड़के को दे दो। गैस गैस